ये? पजल सॉल्व कर रहा हूँ माधवी। ओहो, पजल सॉल्व करने का छोड़ो, नया साल शुरू हो गया है, सोसाइटी में कलर करने का सोचा था ना आपने, फोन करो उसको। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया तुमने, मैं करता हूँ, तू जो वाट जा। सखाराम भाऊ, चलो सोसाइटी में कलर करने कामाल लगा। हेलो, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। हाँ नमस्कार, बोलो साहब। हाँ अभिनंदन भाई, तुम्हारा वो कलर का कोटेशन पास कर दिया है हमने। अरे साहब, वो कोटेशन तो एक महीने पहले दिया था। तो क्या हुआ? तो साहब नया कोटेशन बना दूं? अच्छा, भाव कम हो गया? बनाओ बनाओ। काय मस्करी करता साहब, भाव कम थोड़ी होता है, भाव तो बढ़ता है ना साहब। अरे एक महीने में क्या बढ़ गया? अभी मटेरियल का भाव बढ़ गया तो साहब हमारा भी थोड़ा। अच्छा, तो मतलब अभी फिर से सबसे कोटेशन मंगवाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं साहब, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम होएगा तो भी चलेगा, पर मैं कल पक्का आ रहा हूँ साहब। नहीं नहीं, फिर भी हमें एक बार सोचने दो। अभी क्या सोच रहे हैं साहब, मैं आ रहा हूँ ना कल। हाँ आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। अब आया ना लाइन पे। माधवी, अले सुबह 7 बजे कौन आया? नमस्कार वहिनी। नमस्कार साहेब। अरे नमस्कार, चल रहे चलो दे, चलो दे। नहीं नहीं ठीक है, आप? नहीं सकाराम, कलर कॉन्ट्रेक्टर। रात को बात हुई थी ना फोन पर साहब? हाँ बात हुई थी। हाँ। लेकिन आप इतनी सुबह सुबह 7 बजे? बताता हूँ वहिनी, आधी है क्या काजू? आज सुबह में शांताराम आ गया ना गोवा से। कौन शांताराम? मेरा भाई, वो ताजे ताजे काजू लेके आया। अरे वाह छान। हाँ वो ठीक है, लेकिन आपने बताया नहीं वो सुबह सुबह 7 बजे क्यों है। वो कलर कॉन्ट्रैक्ट की बात करनी थी ना, इसलिए सुबह 7 बजे आए। हाँ। अरे भाई सोसाइटी में मैं अकेला मेंबर नहीं हूँ, बहुत सारे मेंबर्स हैं। अच्छा उनके लिए भी काजू लाना है? अरे ये भाई, यहाँ पे ये सब नहीं चलता। मेरे कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी का ऑफिस 9 बजे खुलता है तो तुम 9 बजे आना। हा? अरे साहब 9 बजे मुझे टिटवाला जाना है साहब, बहुत अर्जेंट काम है, इसके लिए मैंने सोचा कि ये कोटेशन अभी दे दूं। फिर ठीक है ना, 2-3 दिन बाद आना, तब देखेंगे। देखेंगे? अरे नहीं नहीं भिड़े साहब, आपको जो मैंने कोटेशन दिया था ना ये वही है, इसमें मैंने 1 रुपए का भी फर्क नहीं किया। बरका वहिनी, साथ में आपके पूरे घर को A1 कलर फ्री में करवा दूंगा। अच्छी बात है नहीं? ओ सकाराम। हाँ, हाँ, हमें हमारे घर को जब कलर करवाना होगा ना तो हम लोग करेंगे, वो भी खर्चा करके, हम फ्री में नहीं करेंगे। और तुम्हें बोला ना मैंने यहाँ पे ये सब नहीं चलता। हाँ? अभी बाद में आओ, चल ठीक है फिर मैं 9 बजे आता हूँ। एक मिनट, 9 बजे तुम्हें टिटवाला जाना था ना कुछ अर्जेंट काम से? अरे उतना अर्जेंट नहीं है साहब। नमस्कार, अबर वही नहीं है तो। एक मिनट, ये काजू लेके जाना। अरे साहब रहने दो। नहीं नहीं, वो तुम्हारे पास ही रहने दो। ठीक है 9 बजे लेके आता हूँ। आए मानुस है। हाँ तो सभी कोटेशंस मैंने हमने देख लिए हैं। कलर की कंपनी, क्वालिटी, लेबर चार्ज, बांबू का भाड़ा, ये सब देखने के बाद मैंने ये हमने ये तय किया है कि गोकुलधाम सोसाइटी को कलर करने का कॉन्ट्रैक्ट सखाराम को दिया जाता है। कांग्रेचुलेशंस। काम कब से शुरू कर रहे हो? अरे साहब आप बोलो तो कल से काम शुरू कर देता हूँ। कल से? मैं तो कहता हूँ आज से ही शुरू कर दो। पोपट लाल? क्या पोपट लाल, सोसाइटी में सबको पता ही है कि कलर होने वाला है, जितना जल्दी काम शुरू हो जाए उतना अच्छा है। आत्माराम, नोटिस बोर्ड पर भी लिख दो, मतलब जिसको मालूम नहीं होगा ना उसको भी मालूम हो जाए। हाँ। वो तो मैं लिखूंगा यार, मुझे 1 हफ्ते तक ट्यूशन भी बंद रखना पड़ेगा। लेकिन सखाराम 1 हफ्ते में काम खत्म हो जाना चाहिए। देखो साहब ज्यादा समय लगाऊंगा तो मेरा ही नुकसान होगा, ऊपर से बांबू का भाड़ा भी पड़ेगा। मैं तो जल्दी खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन एडवांस कैंसल कर दो। हमारे यहाँ पर एडवांस देने की प्रथा ही नहीं है।
भाई काम खत्म होने के बाद पूरा पेमेंट एक साथ ले लेना। अरे साहब एडवांस मटेरियल खरीदने के लिए चाहिए, 4,50,000 रुपया में से सिर्फ 50,000 रुपया दे दो। सिर्फ 50,000 दे दो दे दो। अरे साहब मेरे लिए थोड़े मांग रहा हो, मटेरियल के लिए चाहिए ना। ठीक है तुम्हें एडवांस मिल जाएगा लेकिन कल से काम शुरू कर दो। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। ठीक है सकराम ठीक है। थैंक यू। वेरी गुड सुनीता, आज की सब्जियां टंडन फ्रेश थी और कितनी सारी वैरायटीज भी थी बाबा। अरे सर्दियों के सीजन में तो हरी हरी ताजी भरी खूब सारी सब्जियां आती है, खूब खानी चाहिए सब्जियां। हाँ सर्दियों में तो ये भीड़े बहन ने आज बोर्ड पर होमवर्क लिखा है। अरे चलो ना चल के देखते हैं। क्या लिख रहे हैं आप इतना? अरे पढ़ो माधवी। गोकुलधाम वासियों को ये सूचित किया जाता है कि सोसाइटी को कलर करने का कॉन्ट्रैक्ट सखाराम रंग वाले को दिया गया है, कल से काम शुरू होगा। अरे वाह कल से कलर का काम शुरू, वेरी फास्ट। कल से सोसाइटी में बांबू बांधे जाएंगे। इसीलिए सभी से ये नम्र निवेदन है कि काम करने वाले कारीगरों को सहयोग करें। भीड़े भाई कलर करने वाले को सहयोग करें मतलब कलर करने के लिए मदद करनी है? अरे नहीं नहीं दया भाभी, सहयोग करें मतलब कुछ दिनों तक बालकनी में कपड़े ना सुखाए, बालकनी में बांबू बांधने दे, अगर कुछ तकलीफ होती है तो थोड़ा एडजस्टमेंट करें, और हाँ खास करके बच्चों का ख्याल रखें। हाँ ये बात है भीड़े भाई, बच्चों को चोट ना लगे ये ध्यान रखना पड़ेगा। अरे ये भी कोई बोलने वाली बात है भीड़े भाई, ये तो हमारा फर्ज है। बाय द वे भीड़े भाई कौन सा कलर करने का फाइनल किया है? नहीं नहीं बबीता जी अभी तक तो कुछ फाइनल नहीं किया है, क्या है पहले बांबू बांधे जाएंगे, उसके बाद जो पुराना कलर है वो घिसा जाएगा, उसके बाद सखाराम 2-3 कलर लगा के दिखाएगा कि भाई कौन सा अच्छा है आप देख लो, उसमें से एक हाथ कलर फाइनल कर लेंगे। ओके। वैसे क्या लगता है कौन सा कलर अच्छा लगेगा हमारे सोसाइटी में? वेल मुझे तो लगता है लाइट येलो कलर मोस्ट ब्राइट लगेगा, है ना? क्या माधवी भाभी पापड़ जैसा लगेगा पीला पीला। नहीं मेरे आई थिंक ब्लू वुड बी बेटर। नहीं मीका मंटो, अरे ऐसे लगेगा कि हमारी सोसाइटी आकाश में तैर रही है। तो क्या एक कलर है जो सबको अच्छा लगेगा? कौन सा? लाल बड़क कलर। क्या बाबा? अरे मेरे सुंदर वीरा को वो रंग बहुत पसंद है। लेकिन दया भाभी फिर सोसाइटी सुंदर नहीं लगेगी, पोस्ट ऑफिस जैसे दिखेगी। अच्छा अच्छा अपनी सोसाइटी में कौन सा रंग होगा वो कमिटी मेंबर्स डिसाइड कर लेंगे। या हम अपना काम करें। टप्पू के पापा ने कलर का पॉप लम रे हल हो गया रे जल सा थई दियो रे टप्पू के पापा ने टप्पू के पापा ने बस 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 मजा आ गया। लेकिन टप्पू के पापा एक बात तो मेरे ही समझ में नहीं आई। कौन सी? यही कि सोसाइटी वालों ने कलर करने का नक्की किया तो आपने बताया क्यों नहीं कि आपके पास कलर है? ये क्या मतलब? क्या मतलब? सवाल अच्छा है। थैंक यू। तो अच्छे सवाल का अच्छा जवाब सुनने की अच्छी आरजू रखती है ये कमीज। अरे कमीज नहीं खनीज खनीज। सॉरी आप समझ गए ना। अच्छा कोई बात है सुन। देख अभी मैं भीड़े को बताऊंगा कि मेरे पास कलर है तो वो समझेगा कि मैं अपना कलर बेचने के लिए सोसाइटी में कलर करवाने की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप बताओगे कब? वक्त आने पर बताऊंगा।
ए, अभी तो पहले वो कलरिंग का वो कॉन्टेक्ट देंगे, फिर बाम्बू वाम्बू बंधेंगे, वो क्रैक बैग भरेंगे, फिर जब भी कलर की बारी आएगी तभी मैं भिड़े को बोलूंगा कि भाई मेरे पास A1 क्वालिटी का कलर है जो मैं तुम्हें मार्केट भाव से कम भाव में दे रहा हूँ, मान जाएगा, ले लेगा कलर। सॉरी, अरे वाह मेरे हीरो डोबी। क्या बात है, ये सखारंग का काम एकदम फास्ट है, ये बाबू का टेम्पो लेकर आ भी गया, क्या बात है। अरे वाह, लो बाबू भी आ गए, अब सोसाइटी में कलर का काम शुरू हो जाएगा। अय्यर साहब, मैं तो कहता हूँ भाई आप साइंटिस्ट हो ना, तो कोई एक ऐसा कलर बनाओ कि एक बार सोसाइटी में कलर होने के बाद सोसाइटी हमेशा नई की नई लगे। अरे बोपड़लाल, वो भी दिन आएगा कि मैं। अरे क्या साहब, आप भी गरीब का धंधा बंद करने की बात कर रहे हो। आविष्कार करना है ना तो ऐसा मेकअप बनाओ कि एक बार औरत ने चेहरे पे लगा दिया ना तो जिंदगी भर चमकते रहना मांगता है। अरे मेरी घरवाली तो। एक मिनट, क्या हो गया? एक कुमारे के सामने इस तरह से हस्बैंड वाइफ की बातें मत करो। I'm sorry. काम की बात करो। बाबू भाई, अरे बाबू भाई। हाँ जी। वो बाबू खाली करा दो। चलो चलो बाबू उतारो, फटाफट करो खाली, चलो खाली लो। अरे भाई बाबू अंदर ले लो। डोंट वरी मोना, इस बार दवाई का असर जरूर होगा। ओके बाय, टेक केयर। अरे कोमल भाभी, अरे वो बाबू वाले आ गए हैं। अरे वाह। हाँ तो आपकी जो बाकड़े हैं और वो बोर्ड है ना आती भाई का, थोड़ा सा अंदर लेना पड़ेगा। नॉट अ प्रॉब्लम, चलिए। एक मिनट ना। अरे बहन जी, मैंने बोला था ना कि कपड़े बाहर मत सुखाइए, जरा अंदर सुखाइए कुछ दिन के लिए। अरे वहाँ नोटिस बोर्ड में लिखा तो है। आप जरा समझे ना उन्हें, मैं वहाँ पे समझा के आता हूँ। हाँ आता हूँ आता हूँ। बाबू भाई। हाँ जी। इधर आ। बेटे भाई, ये बाम्बू वाले बाबू भाई। हेलो, नमस्ते नमस्ते। इनको 15,000 देना। हाँ। अरे पहचान कराने के 15,000 रुपए? पहचान नहीं, एडवांस। हाँ लेकिन आपको 50,000 रुपए एडवांस दिया था ना। अरे क्या साहब, पहली बार कलर करवा रहे हो क्या? कोई भी काम शुरू करने के पहले एडवांस देना पड़ता है, हमको भी पेमेंट आगे देना पड़ता है ना साहब। बरोबर है। ठीक है भाई, बिड़े दे दे भाई 15,000। हाँ हाँ देता हूँ, लेकिन सकरम जरा आहिस्ता बोलना इनको, क्या किसी को बाम्बू लग वग ना जाए। डोंट वरी साहेब, टेंशन घेऊ नका, पहले पैसा दू। हाँ ये लीजिए। हाँ हमारे सारे कारीगर एक्सपर्ट है। हाँ तो ठीक है। ये एक्सपर्ट है साहब, बाम्बू नहीं है। बाबूजी, अभी सोसाइटी में कलर का काम शुरू होगा तो मैं सोच रहा था वो बाम्बू बंधेंगे, धूल उड़ेगी तो आपको तकलीफ होगी, तो जब तक कलर का काम सोसाइटी में चल रहा है तब तक आप बचाओ घूम के आओ तो। अरे वाह दादाजी, मैं भी आपके साथ आऊंगा बचाओ। लेकिन टप्पू बेटा स्कूल। अरे मम्मी स्कूल से छुट्टी ले लेंगे ना। टप्पू बेटा, पढ़ाई तो हमारे भविष्य की बुनियाद होती है, जितनी अच्छी बुनियाद उतना उज्जवल भविष्य, इसलिए पढ़ाई से, अच्छे विचार से और अच्छे काम से इंसान को कभी छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। हाँ बेटा, समझ गया दादाजी। सॉरी, मैं आपके साथ गाँव नहीं आऊंगा। अरे मैं भी नहीं जा रहा हूँ गाँव। बापूजी? अरे क्या बापूजी? अरे मुझे कुछ नहीं होगा, तू मेरी फिक्र मत कर। अरे लेकिन। अरे क्या लेकिन, अरे मैं असली घी खाकर बड़ा हुआ हूँ, तेरी तरह जलेबी फाफड़ा खाकर नहीं। चलो मैं दुकान जा रहा हूँ बापूजी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पापा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
बालकनी में जाना है, बांबू बांधना है। बुढ़े, अपन डोरबेल बजा के आना चाहिए ना। दरवाजा खुला था, मैं आ गया। घर में आने से पहले परमिशन लेते हैं। क्या? चल चल कहीं नहीं, बालकनी उधर है, चानी बाबा। मुझे लगा तो नहीं ना। भाई साहब आप लोग भी जरा ध्यान से काम कीजिए ना। सॉरी भूल हो गया। आपने बंगाली है? हाँ आमी बंगाली, कोलकाता थेके। ओ माँ, आमी ओ कोलकाता थेके। जाने ना हमारे जॉबे थेके ना शेते बी हो चले ताको थेके मेखने आची। आची 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 आच्छा आच्छा बाय। हाँ हाँ अच्छी अच्छी। चल अच्छी ना रहा। अच्छी 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 चल चल चल। क्या कर रहे हो? अरे तुमने ये क्या किया है? ऐसा लगता है कि चिड़ियाखाने में कैद हो गया हूँ। चलो निकालो इसको। इसको निकालेगा सारा बाबू गिर जाएगा। गिर जाएगा तो क्या मैं अपने घर में कैद रहूँ अगले 5 दिन तक? 5 दिन तक? अरे भाई सुनो, 5 दिन तक? वाह बढ़िया बढ़िया भाई, देखते भाई देखते लग जाएगा किसी को। भाई संभाल के काम करो भाई। अरे ओ भाई सब, अरे भाई कारीगर का डाकू है क्या? जरा संभल के काम करो भाई, देख के चलो, देख के लग जाएगा किसी को। साहब देख के चलो, काम कर अपना। ले गणपति बाबा जी क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। क्या बात है नया रब्बा। सारा गिर गया सर के ऊपर, कपड़े खराब हो गए मेरे, अभी नहाकर निकला हूं मैं घर से। मेरे हमदम, मेरे साथी, आज भी तुझे हमेशा की तरह मेरी रक्षा करनी। काम करो अपना, चलो भाई काम करो। रोशन, रोशन, वो बड़ा तू इधर किधर बालकनी से नीचे जा रहा है। अरे सोनिया थल्ले का रास्ता पूरा बंद किया हुआ है, इसलिए यहीं से जाना पड़ेगा ना। बल्ले बल्ले बल्ले। अच्छा चल, अच्छे से जाना, बिल लाओ जो, साकर लाओ जो, चल बाय। अच्छे, ओ कमाल है यार। पाल करते हैं सारा रास्ता खोल के रख दिया और हमको ऊपर से नीचे ले आया। कोई गल नहीं पिड़ो, तू भी बढ़िया यार, चलो। अरे तिकड़ तो कौन मारना, तिकड़े मारना। सकराम जी, हाँ जी, हाँ सुना भाई। क्या भाई, सुबह शाम मुझे रोज याद से सोडा पिला रहे हो?
ये है ना गोकुल नाम का वर्ल्ड फेमस सोडा है, मसालेदार सोडा। अरे वो तो मालूम है पर फ्री में क्यों? वो क्या है ना, बाहर मेरे सोडे की दुकान है। अच्छा, वो सोसाइटी में कलर करने के बाद थोड़ा जो कलर बचेगा ना, वो मुझे फ्री में दे देना, वो मैं दुकान पे लगा दूंगा। अच्छा ये बात है, अरे मैं खुद कलर कर दूंगा आपकी दुकान पे। अच्छा थैंक यू। थोड़ा ख्याल रखना है ना। ये काम कौन करेगा फोकट में सोडा पिलो, काम कर। अरे भैया एक मिनट रुक जाओ जरा। पता नहीं कलर का काम कब पूरा होगा। हाँ बाबा आए जॉनी, ठंडी में भी घर से छतरी लेकर निकलना पड़ता है। रोशन भाभी, कोमल भाभी, छतरी लिए बगैर निकलोगे ना तो चेहरे के साथ साथ कपड़ों पर भी ये पाउडर मेकअप पोत देगा और ऊपर से खांसी और तबीयत खराब होगी। और लो चलो अब चलते हैं। चलो ऐसे ही रहना पड़ेगा थोड़े बेटे। इसमें बिस्किट है और छोटा छोटा कप है और इसमें चाय है, सबको बराबर देना। ओके मम्मी। और अगर कम गिरे ना तो वापस आना। हाँ चाय पूरी है। अंकल खींचो। थैंक यू। वेलकम अंकल। उस थैली में से एक बिस्किट का पैकेट मैंने पहले से मेरे जेब में रख दिया था। अरे बिस्किट का पैकेट कहाँ गया? अरे उसे मैंने पहले ही उस थैली में वापस रख दिया। चलो। अच्छा सोनू, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ओ कितने दिन चलेगा ये सब? ये पढ़ाई है माधुरी, जिंदगी भर चले तो भी कम है। कितने दिन चलेगा ये सब का क्या मतलब है? कलर काम के बारे में बोल रही हूँ मैं। तो परेशान हो गई हूँ, पूरा दिन दरवाजे खिड़की बंद और पापड़ सुखाने का प्रॉब्लम है वो अलग। माधुरी भी थोड़े दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा हमें। नमस्कार भिड़े साहब। नमस्कार वहिनी। यावे सखराम साहब, बोला क्या बात है? साहब अब घिसाई का काम पूरा हो गया। क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश। कल से कलर का काम शुरू करना है। हाँ बिल्कुल करो। गोकुलधाम को मस्त है कि कलर मार के एकदम चकाचक कर दो। चकाचक करने के लिए साहब कलर की जरूरत है? हाँ बिल्कुल। तो 1,60,000 रुपए दीजिए। वो कोटेशन में मैंने लिखा है। हाँ बिल्कुल। क्रैक फिलिंग प्लास्टर का 90,000 दिया, इसका इतना 1,20,000 लेबर वर्क। ओहो सकाराम, धीरे धीरे हमने तुम्हें 2,50,000 रुपए दे दिए। साहब अभी काम भी तो उतना हुआ है ना। नहीं बात सही है, लेकिन अभी सोसाइटी फंड में सिर्फ 50,000 रुपए बाकी है। क्या 50,000? साहब 50,000 में कलर कैसे आएगा? अगर पैसा नहीं है तो फिर मैं काम। अरे नहीं सखाराम, वो जेठाल ने बोला नहीं था कि जहाँ भी काम रुक जाएगा वहाँ पे मैं बैठा हूँ करके? कभी। अरे हाँ तुम नहीं थे उस मीटिंग में। ये नहीं था उस मीटिंग में। मैं तुम्हें जेठाल से पैसे दिलवा देता हूँ। चलो माधुरी मैं आता हूँ। आहो मेहता साहब को भी बुला लीजिएगा। हाँ क्या बेटे, कुछ प्रॉब्लम, कुछ खास बात, क्यों बुलाया हमें ऐसे? प्रॉब्लम तो है ही मेहता साहब, जेठालाल अभी कल से सोसाइटी में पेंटिंग शुरू हो जाएगा। हाँ तो करा, उसमें मेरे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। परमिशन की बात नहीं है जेठालाल, तुमने बोला था ना सबके सामने कि तुम काम शुरू कर दो, जहाँ भी अटक जाएगा मैं बैठा हूँ, तो अभी काम अटक गया है। अटक गया मतलब बेटे क्या हो गया? पैसा मेहता साहब, अभी इसको हमें कलर लाने के लिए 1,60,000 रुपए देने और सोसाइटी के फंड में सिर्फ 50,000 रुपए बचे जो बाद में मुझे इसका हिसाब क्लियर करने में लगेंगे। तो जेठालाल अभी तुम कलर के 1,60,000 रुपए दे दो। 1,60,000? देखो जेठालाल तुमने सबके सामने बोला है, अभी मना मत करना। अरे मना कहाँ कर रहा है जेठालाल, पहले बात तो समझ लो क्या कहना चाह रहा है वो। तो भाई सखाराम कलर कितने का आएगा? साहब कोटेशन में लिख कर दिया था ना 1,60,000 होगा। कुछ कम नहीं होगा? अरे क्या साहब, इसमें क्या कम होगा, ये तो सेवा है, आपसे पैसे लेकर दुकानदार को देकर कलर लाना है साहब, इसमें मेरा कुछ नहीं। अच्छा
तो ठीक है, तुम रहना दो, ये सेवा का मौका हमको दो, हम कलर लेके आएंगे। क्या चीठालाल, तुम कलर लाओगे? हाँ। नहीं नहीं, आप कैसे लाओगी? दुकान में जाके। अरे मतलब, अरे सखाराम, तुमने कहा ना कि ये तो सेवा का काम है, तो कलर तुम ला के दो या हम, क्या फर्क पड़ता है? अरे पर साहब, ये हमारा काम है ना। वही, तुम्हारा काम हम करके दे रहे तो तुम्हें हमको बोलना चाहिए थैंक यू। बोलो थैंक यू। अरे क्या थैंक यू बड़े साहब, ये तो चीटिंग है। आपने मुझे पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो कलर तो मैं ही लाऊंगा ना, आप पैसा दे दूसरे। हाँ हाँ, अरे जेठालाल, ये क्या नया नाटक है भाई, अभी तुम क्यों कलर लाना चाहते हो? हमने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ना, वो भी कलर के साथ। हाँ नहीं नहीं भाई, कलर तो मैं ही दूंगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप कलर लाने के लिए इतनी जिद क्यों कर रहे हैं। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जेठालाल के पास कलर है। अच्छा, जेठालाल कितने मतलबी इंसान हो तुम। तुम्हारे पास कलर है इससे तुम सोसाइटी को कलर करवाना चाहते हो भिड़े। अरे इसकी नियत भी खोटे मेहता साहब। अरे क्या नियत में खोटे भिड़े, बात तो समझने की कोशिश करो। अरे जेठालाल के पास तो कलर कुछ दिन पहले आया है, और हमें सोसाइटी में कलर कराना, ये बात कितने दिन से चल रही है। सोसाइटी को कलर कराना ये बात हुई थी कि नहीं? नहीं हुई थी मेहता साहब। एग्जैक्टली, तो हम सोसाइटी को कलर की जरूरत है, जेठालाल के पास कलर है। अब जेठालाल कलर के 1.5 लाख रुपए दे या कलर दे, बात तो एक ही है ना। बिल्कुल बराबर बोल रहे मेहता साहब। और मेन बात भिड़े, मेरे पास A1 क्वालिटी का कलर है। फिर तो फिर पहले बताया क्यों नहीं? अरे भाई, अभी बता रहे तो भी तू नहीं मान रहा है, तो पहले बताया होता तो भी मानता क्या? लेकिन फिर भी ये गलत है। हाँ गलत है। अच्छा 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 ठीक, एक मिनट बैठो बैठो बैठो, चलो भूल जाओ कि मेरे पास कलर है और मैं कलर तुमको दे रहा हूँ। भूल जाओ, मैं तुमको रोकड़ा 1.5 लाख रुपए देता हूँ, लेकिन भीड़े तुम इसको बोलो कि 1.5 लाख में वो शाइनिंग कंपनी का कलर लाके दे। तो उसमें क्या है, लाकर दे देगा? अरे क्या बोल रहे हो, लाकर देगा? अरे वो तो बहुत महंगा है, उसका बजट तो 2.5 लाख होगा। मतलब 1 लाख रुपए ज्यादा। हाँ एग्जैक्टली, और वही 2.5 लाख रुपए का शाइनिंग कंपनी का कलर जेठालाल 1.5 लाख रुपए में दे रहा। अच्छा, लेकिन जेठालाल, अभी तुम्हें देने के लिए सोसाइटी के पास 1.5 लाख रुपए नहीं है। अरे भाई, किसने मांगा? मैंने मांगा। जब भी सोसाइटी के पास फंड आए तभी मुझे देना। अब बोलो भिड़े, अब कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट भाई साहब, मुझे प्रॉब्लम है। आपने मुझे कलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो अगर आप कलर दोगे तो मेरा नुकसान है। भाई हम कलर ला के दे रहे हैं, उसमें तुम्हारा नुकसान कैसे हो गया सखाराम? नहीं मतलब, दुकानदार को मैंने जबान दी है ना, अगर उनसे अगर हम कलर नहीं लेते तो फिर बाद में प्रॉब्लम तो हमारा रोज का है ना बड़े साहब, प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे भाई, तो वो कलर तुम्हारा किसी दूसरे काम में काम आ जाएगा। तुम्हारा तो रोज ये काम चलते ही रहता है ना। नहीं साहब, ऐसा नहीं होता बेटे साहब, आप बोलिए ना उनको। अरे वो बराबर बोल रहे हैं सखाराम। हाँ। अगर 1 लाख रुपया बच रहा है तो सेक्रेटरी होने के नाते मैं तो सोसाइटी का फायदा ही देखूंगा ना। तू बस। अरे जेठालाल, तुम कलर लाके दो। कल सुबह ही लाके देता हूँ मैं कलर। तो बस कल कलर आते ही तुम अपना काम शुरू कर दो। ठीक है। हाँ। चलो बस, चले। ओके, हो गया, ये काम निपट गया, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया। अभी देखो मैं कैसा कलर करता हूँ सोसाइटी का। नट्टू काका, बिल्कुल फिकर मत करो, मैं सेठ जी का और दुकान का बराबर ख्याल रखता हूँ। हाँ ठीक है। बागा, बागा, चल फटाफट उठा, चल फटाफट उठा जल्दी। ये अरे भाई, ये क्या उठा रहे तू? तो क्या उठाना है? वो रख इधर, ये कलर का डिब्बे उठा, और मैं जहाँ रहता हूँ गोकुलधाम सोसाइटी, वहाँ सब छोड़ के। अरे वाह, आप गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हो? पता है तुझे? नहीं। ठीक है तो मैं तुझे पता देता हूँ, एड्रेस देता हूँ अंग्रेज। थैंक यू। अच्छा, ये सब डिब्बे आपके घर पे ही पहुँचाने हैं? नहीं भाई नहीं, वो हमारे सोसाइटी का सेक्रेटरी है आत्माराम तुकाराम भिड़े। तो इन तीनों में से किसके हाथ में देना है? अरे तीनों एक ही है भाई, तू खाली इधर से लेके जा, मैं भिड़े को फोन कर दूंगा, वो तेरा स्वागत करने के लिए उधर खड़ा होगा। हा? लेकिन तू अभी एक भी सवाल मत कर, प्लीज प्लीज प्लीज। आप मुझे प्लीज मत बोलिए, प्लीज। इसके पहले कि मैं प्लीज बोलना छोड़ दूं, तू निकल।
ए भाई, ए कहाँ जा रहे? आप ही ने तो बोला निकल। अरे निकल मतलब गेट आउट वाला निकल नहीं भाई, ये कलर के डिब्बे लेकर निकल। सखरम, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जो सी विंग का सेकंड फ्लोर है ना, वहाँ पर ऐसे तीन चार हाथ थोड़े में ज्यादा मारने पड़े। पोपटलाल, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो लो आ गया कलर, चलो भाई। हाँ बस बस बस, शाइनिंग पेंट। अरे जेठालाल ने वाकई अच्छा कलर भेजा है। मैंने दो तीन जगह इंक्वायरी की थी, सबने कहा कि ये A1 कलर है। तुम तीनों में से कलर वाले तुम ही हो? मैं महान पत्रकार पोपटलाल हूँ। वो तो जैसी जिसकी सोच। सोच? भाई मैं हूँ पत्रकार पोपटलाल, इस सोसाइटी का माननीय सदस्य। भीड़े कुछ बोलो, इसको कुछ बोलो। हाँ हाँ बोलता हूँ, तुम्हें जेठालाल ने भेजा है ना? हाँ। कलर वाला किधर है? हाँ बुलाता हूँ। अरे भाई सकराम जरा इकड़े ना। ओ सकराम जरा यहाँ आना प्लीज। आओ भाई। क्या है भाई? हाँ भाई ये हमारा A1 कलर आ गया है। हाँ। अभी इसको रखना का है? अभी आपका कलर है, इधर भी रखो। अरे भाई लेकिन कलर करना तो तुमको है ना, तुम अपने कब्जे में ले लो ताकि हमारा काम खत्म हो। हाँ। कारीगर को तो आने दो ना, अभी किधर भी रखो। किधर भी रख दो, अजीब आदमी है। कौन? नहीं कहने, मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग सोसाइटी के ऑफिस में रख देते हैं कलर, बाद में जिसको जैसे चाहिए वैसे निकाल लेंगे। हाँ आत्माराम यह ठीक रहेगा, सोसाइटी के ऑफिस में ये सारा कलर का डब्बा रखवा दो। हाँ भाई अंदर रख दो। ए, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम नहीं है, हटो। क्या भाई, हटो वहां से ताकि मैं मदद कर सकूं उसकी। चलो भाई चलो। हाँ, भाई हाँ, हाँ। बहुत वजन है, आराम से आराम से। अरे उतरो। अरे उतरना मत, पैर में लगेगा। अरे वाह पोपटलाल, मदद करने को कहा और तुमने खुद ही कलर का डब्बा उठा लिया। अरे क्या उठा लिया, इसने खुद रख दिया मेरे कंधे के ऊपर। भाई यार साहब अभी उतारने में मदद करो। मैं करता, एक मिनट मैं ये उतार। संभल के। क्या कर रहे हो, नीचे रखो ना उसको। एक काम करो भाई, बाकी क्या सारे डब्बे तुम रख दो। समझ गया। हाँ सकराम अभी कलर आ गया है तो जल्दी से काम शुरू करो, ये काम तो तुम्हारा ही है ना। कारीगर का फोन था, बोले बोले कल से काम स्टार्ट करेंगे। कल से? हाँ मतलब आज काम बंद। अरे सकराम ये बाबू का रोज का 5,000 का भाड़ा जा रहा है। साहब कारीगर कल से काम शुरू करने के लिए बोल रहे, रात भर उन्होंने दूसरी जगह काम किया था। एक दिन चला लो ना। अब चलाना ही पड़ेगा ना, लेकिन सुनो कल से काम शुरू करवा देना तुम। देखते जेठालाल, मुझे तुम कमाने नहीं दोगे? अरे हमारी कमाई माल के कमीशन में तो ज्यादा होती है। अब देखना, तुम लोगों ने मेरा गेम किया है ना, तो अब मेरा गेम देखना, पूरे गोकुल धाम को क्लीन बोल्ड कर दूंगा। मेरा नाम सखाराम नार्वेकर है, पूरी गोकुल धाम को नचवाऊंगा। माधवी ये सखाराम भी है ना, अभी बोल रहा है कि कल से काम शुरू करेंगे। तो ये पेंटर लोग है ना? अरे पेंटर ही क्यों, ये कारपेंटर, ये प्लम्बर, सब लोग वादे के मुताबिक कभी काम करते ही नहीं है, हमेशा आधा काम छोड़ के कल करेंगे बोलते रहते। इनमें ना शिस्त नाम की कोई चीज है ही नहीं। अरे हमारे जमाने में मैं क्या कहती हूँ, अगर आप सखाराम और उसके मजदूरों को 2 दिन क्लासरूम में बिठा कर शिस्त का पाठ पढ़ाओ तो कैसा है आइडिया? वेरी गुड आइडिया। ये मजाक का वक्त नहीं है माधवी, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। अरे एक दिन का काम बंद मतलब बाम्बू का रोज 5,000 रुपए भाड़ा जा रहा है।
और ऊपर से सबको परेशानी होगी वो अलग से। हाँ आपकी बात भी सही है। तो पर होनी को कौन टाल सकता है ना, जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। मतलब छुट्टी हो गई है ना, वो कल से काम शुरू कर देंगे। देवा इस सकारम को सद्बुद्धि देना कि वक्त पे काम शुरू करे और वक्त पे काम खत्म करे। अब वक्त पे चला। उठे सखाराम। गुड मॉर्निंग बड़े मास्टर। अरे गुड मॉर्निंग आदि भाई। हाँ एक मिनट जरा हाथ देना। अरे ये पेंट करने वाले आने वाले थे, आए नहीं क्या? अरे मैं भी उन्हीं का वेट कर रहा हूँ कब से। तो चलो तब तक पूरन पोली खाते हैं। ओहो सुबह सुबह पूरन पोली, क्या बात है। चला अरे आप वहाँ कहाँ जा रहे? अरे तुम्हारे घर। माधवी भाभी क्या पूरन पोली बनाती है, मुंह में पानी आ गया। बात सही है लेकिन अभी क्या है, सकरम भी आ गया, क्या बात है, क्या टाइम पे आया है। लोग भी ना गलत टाइम पे आ जाते हैं। अरे सकरम कुठेस तू? हाँ नमस्कार। नमस्कार, तुम्हारे कारीगर क्यों नहीं आए? वाह, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, वापस तुम मुझे पूछ रहे हो? साहब मैं रात को खुद उनके घर पे गया था, उन्होंने कहा सुबह होते काम शुरू करते साहब। तो कहाँ है? हाँ, अभी तक आए हैं लोग। कारीगर लोग भी ऐसे है ना साहब, पर आप टेंशन मत लो साहब, मैं अभी उनको पकड़ के लेके आता हूँ। अरे भाई जरा जल्दी आना, वो क्या है ना कि जब से बाम्बू लगे है ना तो मेरे कारीगर भी नहीं आ रहे। हाँ? अरे सॉरी, मेरा मतलब है कि मेरे पेशेंट नहीं आ रहे। साहब आप टेंशन मत लो, पेशेंट को आप भी पकड़ के लेके आता हूँ। हाँ? नहीं नहीं, कारीगर को पकड़ के लेके आता हूँ। अच्छा अच्छा, अब इंतजार करते रहो, मैं तो आज वापस नहीं आने वाला। पता नहीं अय्यर भाई कब ये कलर लगाने का काम शुरू होगा और कब खत्म। ये बांबू को देखते देखते थक गया मैं, मेरे घर का पूरा व्यू ब्लॉक कर दिया है। मेरा भी। और आज भी लगता है वो कलर वाले आत्माराम ने सखाराम। अरे हाँ भाई हाँ, वही उसने आना कैंसिल कर दिया है। लो आत्माराम आ गया। अरे आत्माराम ये कलर वाले अभी तक आई क्यों नहीं? हा? अभी तक नहीं है? नहीं आ गए, हम लोग ऐसे ही टाइम पास के लिए खड़े हैं। क्या क्या भिड़े तुम भी? अरे नहीं पोपटलाल, सुबह सखाराम आके क्या उसने बोला मैं अभी कारीगर को लेके आता हूँ, हो कि नहीं? बोला तो था। हाँ तो भाई फोन करो ना उसको, किधर है वो? करो फोन। माला या मानसा जी। बेटा कितनी बार तेरे को मैंने समझाया कि तेरे लायक कुछ भी काम रहेगा तो मैं खुद बुलाऊंगा, क्यों आ रहा है बार बार? अब जा। हाँ बेटे साहब बोलिए। हाँ मैं बस आधा घंटे में आ रहा हूँ। ट्रैफिक बहुत है ना। हेलो हेलो। हाँ बस आ ही रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ मैं। हेलो हेलो, ट्रैफिक बहुत है क्या? मतलब वो ट्रैफिक में है, वो आधे घंटे में पहुंच रहा है कारीगर को लेके। देखो भिड़े तुम उस सखाराम को आज स्ट्रिक्टली बोल देना कि वो अगर इस तरह से काम करेगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। सही बात है, ऐसे थोड़ा ही होता है। हाँ हाँ बोल देंगे बोल देंगे। आ यार आत्माराम बहुत मत करो, फोन ना करो, 3 घंटा हो गया अभी तक नहीं आया वो। सही बात है। अरे अय्यर भाई मैं कब से उसे फोन कर रहा हूँ, बार बार मेरा फोन काट रहा है। तो एक बार और ट्राई करो ना भिड़े। हाँ 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 साहब बोलिए। अरे ए सखाराम कहाँ है तू भाई? क्या है साहब, सब कारागिर स्ट्राइक पर चले गए, अब वो लोग 5 दिन नहीं आएंगे, तो मतलब 5 दिन की छुट्टी साहब। 5 दिन की छुट्टी? बाप रे 5 दिन की छुट्टी, भाई काम कंप्लीट कैसे होगा? मुझे फोन दो। हेलो सखाराम, देखो भाई तुम अपनी छुट्टी वुट्टी सब कैंसिल करो, अभी कभी कैंसिल करो। साहब वो नहीं कर सकते है ना। क्या क्या कैंसिल नहीं होगा, मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट? तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं दुनिया हिला दूंगा। अरे पोपटलाल एक मिनट शांत हो जाओ, क्या हमेशा गर्म पॉपकॉर्न की तरह उछलते रहते हो यार। पॉपकॉर्न? एक मिनट फोन मुझे दो, मुझे बात करने दो। लाओ। हेलो सखाराम, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ। पॉपकॉर्न?
हाँ मेहता जी बोली। अरे क्या कहिए सखाराम, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है भाई? इधर काम बंद पड़ा हुआ, अभी तुम 5 दिन की छुट्टी का बोल रहे हो। प्लीज एक बार तुम गोकुलधाम में आ जाओ, अपन बैठ के बात कर लेते ना। ठीक है अभी आता हूँ साहब। ओके मेहता साहब, आपने इन जैसे लोगों को सर पे चढ़ाया है। क्या मतलब? क्या क्या मतलब? आप सबको प्लीज प्लीज बोलते रहते हैं। अरे भाई मुझे पता है किस आदमी से कैसे बात करनी है। मैंने इस तरह से बात की तो वो आ रहा है। तुम्हारे बात करने से आ रहा था क्या? आया भाई आया। भिड़ंगल, वो कलर वाले कब आएंगे? उन्होंने आने से पहले ही 5 दिन की छुट्टी ले ली है। चलो हम लोग बाबू में पकड़ा पकड़ी खेलते शाम। देखो बाम्बू पे पकड़ा पकड़ी खेलोगे तो गिर जाओगे। अरे कोई जगह है, चोट लग गई तो? तो हाँ सही बात है। हमको थोड़ी देर खेलने। अरे क्या थोड़ी देर? नहीं 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 नो 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 पकड़ा पकड़ी। क्या भैया कोई खबर सखाराम की? अभी तक नहीं आया। आधा घंटे का बोल के गया, 2 घंटे हो गए यार, किधर है ये? मेहता साहब ये सब वो सखाराम के बदमाशी है। भाई मैं तो कहता हूँ सखाराम का कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दो। अरे एक मिनट, क्या कैंसिल पोपटलाल भाई? पहले उन्होंने काम क्यों बंद किया है उसकी वजह तो जान ले। एग्जैक्टली ले लो, आ गया वो। या पावना या चला चला जल्दी लौकर लौकर। नहीं बोल तो जेठाला। अरे कितनी पन टाइम। अरे कहीं चाल ले कैसे सखाराम, तुम्हारे कारीगर है कहाँ? कल तेरे कारीगर नहीं आए, आज तेरे कारीगर नहीं आए। अच्छा तुमको लेने गया तो खाली वापस आ गया और 5 दिन की छुट्टी। क्या है साहब, वो बारकू है ना? कौन बारकू? साहब अपना कारीगर, उसके माँ बाप ने उसकी अचानक मंगनी तय कर दी, इसके लिए सब गांव चले गए। तो हम भी चले जाते हैं गांव। अरे भाई तो दूसरे कारीगर को लेके आ इधर। अब कारीगर क्या कलर का डब्बा एक का दुकान में पड़ा हुआ, क्यों उठा के सीधा लेके आओ? अरे भाई तेरी सुई कलर पे आके क्यों अटक जाती है? एक मिनट जेठालाल, मैं समझाता हूँ ना। टप्पू के पापा जरा शांत रहिए। तू शांत रह। सखाराम क्या भाई, ऑलरेडी 2 दिन काम बन रहा है और अभी 5 दिन और काम बन रहेगा तो हमारा तो सोचो, बीच में बाम्बू पड़ा है, सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है, हम कैसे आएंगे जाएंगे, कितनी तकलीफ होगी, घर में जाने को नहीं मिल रहा है। सही बात है। तो फिर देखिए सखाराम भाई, हमारी सोसाइटी में औरतें बूढ़े बच्चे हम सबको कितनी तकलीफ होगी अगर ये सब ऐसा ही रहेगा तो। मैडम आपकी बात सच है पर अभी आदमी नहीं है तो मैं क्या करूं? अरे क्या करूं का क्या मतलब है भाई सखाराम, कॉन्ट्रैक्ट तुमने लिया है, जिम्मेदारी तुम्हारी है। सही बात है। ए भाई कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करना, कॉन्ट्रैक्ट मैंने पूरे कलर के साथ किया था। अरे भाई कलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट लिया था हमें पता है, लेकिन कैसा कलर इस्तेमाल कर रहे थे, वो बी ग्रेड का। हमने उसके बदले में तुम्हें कितना बढ़िया टॉप क्लास का ए ग्रेड का कलर दिया। ए ग्रेड का कलर लाए हो तो ए ग्रेड के कारीगर भी ले आओ। अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम सखाराम? ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ। मोटा भाई मुझे मालूम है ये मेरा काम है पर इसने बीच में अपनी टांग क्यों घिसेड़ी? ये जबान संभाल के बात कर, इसने का क्या मतलब है? इसने मतलब तूने। अबे चाचा बेवकूफ, मुझे बोला बेवकूफ। हाँ हाँ तुझे बोला सखाराम को बेवकूफ। तुझे बेवकूफ बोलता हूँ। 35 साल से इस लाइन में हूँ, आज तक मुझे कोई बेवकूफ नहीं बोला, समझा क्या? तो मैं बोलता हूँ बेवकूफ बेवकूफ। अरे चुप 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 चुप। अरे तेरी जितनी उम्र है ना उससे कहीं ज्यादा मैं कलर का कॉन्ट्रैक्ट ले चुका हूँ, समझा क्या? अरे चल चल अबे। अरे चल। ए ए ए क्या पूरी बात तो इधर करके जा, जाता किधर है? अरे इस लाइन में सिर्फ सखाराम की मोनोपोली चलती है, समझा क्या? जेठालाल शांत हो। अरे ये क्या बात होती है, एक बार समझने की कोशिश करो ना जेठालाल। सखाराम यार तुम भी छोड़ो ना, भूलो ये सब। अच्छा अभी बताओ करना क्या है? मुझे अभी कलर नहीं करना। लो इसी मौके के इंतजार में था ये। मीका मंटू सखाराम देखो, अरे ऐसे आदमी को आप सोसाइटी में रखते क्यों?
इसकी गलती का फल आप सबको भुगतना पड़ रहा है। अरे जिस आदमी को बोलने की तमीज नहीं, ऐसे बेवकूफ आदमी को सोसाइटी से निकाल दो। सच कहा तुमने सखाराम, अपना जेठा प्रा तो एकदम बेवकूफ है। हाँ बेवकूफ है कि इसने अभी तक तुमको थप्पड़ नहीं मारा। खबरदार तुमने अब जेठा प्रा को कुछ भी उल्टा पुल्टा बोला, मेरे ये जो पंजाबी दोनों हाथ है ना तुम्हारे मुंह पे ऐसे पड़ेंगे कि तुम्हारी ये जो बत्तीस ही है ना इसका कचूमर बना के पौधा निकल जाएगा। अब सोसाइटी का जो भी हाल होगा ना उसके जिम्मेदार आप सब लोग होंगे। आप मुझे गोकुल धाम में कलर नहीं करने का दुनिया हिला दूंगा। ठीक है भाई, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तो कैंसिल, हमारे पैसे वापस दे दे। हाँ ये लो पैसा 130 रुपए, बाकी के पैसे। अरे भाई जितना दिया था उतना काम भी तो हुआ है ना, इतना ही बचे। अब गोकुल धाम में कलर का काम कैसे होता है मैं देखता हूँ। ये बांबू लगे ना इसका पैसा भी दे देना, समझा? मैं जा रहा हूँ। अभी तो निकल ले, नहीं तो ये बांबू से तेरी पिटाई कर दूंगा। चल 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 चल। कितना वाइड अच्छा जोयो। एक्चुअली देखा कैसे बोल के गए, जैसे हमें कुछ श्राप दे के गए। अरे अभी उसने कलर करने से मना कर दिया, अभी तो करना क्या है अभी। अरे करना क्या, क्या करना क्या, अरे बहुत लग मिल जाएंगे दूसरे। और सच कह रहा अपना जेठा परा, और ये कोई आखिरी बंदे थोड़ी ना यहाँ पे कलर कराने के लिए। तो फिर सही बात है। हेलो बाबू भाई। हाँ बोलिए। हाँ नहीं क्या हुआ वो? अच्छा ठीक है, हाँ हाँ आपके बांबू के पैसे आपको मिल जाएंगे। हाँ ये सखाराम का नेटवर्क जबरदस्त है, इतनी जल्दी बांबू वाले को खबर भी कर दी उसने। अरे आत्माराम अब तुम किसी और सखाराम, राजा राम, विश्राम, सावधान किसी को भी बुलाकर सोसाइटी में कलर का काम शुरू कराओ। हाँ बात तो सही है। बड़बा एक कड़क मीठा चाय बनाओ यार, दिमाग खराब कर दिया इन सोसाइटी वालों ने। अरे भाई सखाराम। हाँ भाई क्या हो गया? अब क्या बताओ भाई। अरे भाई तुम्हारा दिमाग कैसे खराब हो गया? अरे भाई तुम्हारा तो बहुत ही अच्छा काम चल रहा है ना गोकुलधाम सोसाइटी में। गोकुलधाम सोसाइटी? अरे नहीं नहीं उसको तो गड़बड़धाम सोसाइटी बोलना। क्यों? पहले कलर के साथ पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया था, अब बोल रहे कि हम लोग कलर ला के देंगे। अब वो लोग कलर ला के देंगे तो सबसे ज्यादा कलर में कमीशन है, अब वो लोग ला के देंगे तो अपना तो नुकसान है ना। ये तो बात बिल्कुल सही है। अरे भाई कलर के साथ काम ना हो तो कमाएंगे क्या? सोसाइटी में घिसाई का काम पूरा हो गया, बम्बू लग चुकी है और मैंने तो काम छोड़ दिया। अत्ता बक्तो गोकुलधाम सोसाइटी में कलर कैसे होता है, क्या तू करेगा क्या? मैं नहीं बाबा, बिना कलर मटेरियल के काम ही नहीं करना। जब तूने वहां से काम छोड़ दिया तो मैं तो बिल्कुल करने वाला नहीं। अब देखना गोकुलधाम सोसाइटी का कैसा बैंड बजाता हूं। साहब ये लीजिए चाय। हाँ हाँ पांडे सुन, गोकुलधाम सोसाइटी का काम मैंने छोड़ दिया, समझ गया ना? हाँ मुझे लगता है सोसाइटी में कलर बाद में पहले हवन करना चाहिए, सोसाइटी में एक के बाद एक संकट आते ही जा रहे हैं। माधवी अभी फिलहाल कलर करते हैं। हेलो। हाँ हेलो नंदू जी,
मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी। गोकुलधाम सोसाइटी? हाँ बोलो। हाँ जी, हमें हमारी सोसाइटी में कलर करना है। अरे नहीं भाई नहीं, तो तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट देते हो फिर कैंसिल करते हो, तुम लोग के साथ काम नहीं करना है। तुम चीटर हो चीटर। एक मिनट, मैं कोई चीटर नहीं हूँ, मैं शिक्षक हूँ शिक्षक, और सेक्रेटरी होने के नाते मैंने सोसाइटी के फायदे के लिए डील कैंसिल की है। काय झालं? अरे मुझे चीटर बोल रहा है? जाऊ दे ना, आप दूसरे को फोन लगाइए। हेलो सुवर्णा जी, मैं गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी। हाँ भिड़े, तो हमें हमारी अच्छा आपको पता है, ओके ओके। हाँ तो उसका नहीं, मेरी बात सुनिए आप। नहीं नहीं नहीं, वो गलत फहमी हो। नहीं मेरी बात तो सुनिए आप। नहीं नहीं मैं कमाल है। काय झालं? ये कह रहा कि इन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है गोकुलधाम में कलर करने में। अरे देवा, दूसरा ट्राई कीजिए। आजी मैं गोकुलधाम सो इससे तो गोकुलधाम का नाम सुनते ही रख दिया फोन। माधवी ये सकरम बहुत पहुंचा हुआ आदमी निकला, लगता है कलर करने वालों की यूनियन है यूनियन, और सभी ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम लोग गोकुलधाम में कलर करेंगे ही नहीं। लगता है माधवी हमारे सोसाइटी में कभी कलर नहीं होगा। माता आता का है, अभी सबसे पहले सभी सोसाइटी वालों को जमा करना होगा। मुझे तो बोला विश्वास नहीं हो रहा कि सोसाइटी में कोई कलर करने वाला कलर नहीं करेगा। फेस ना, और इस कलर की वजह से इन्होंने ट्यूशन के सभी विद्यार्थियों को छुट्टी भी दे दी। भीरे भाई, कोई दूसरे एरिया के कलर वाले को ढूंढो ना। हाँ, अरे बबीता जी, दूसरे एरिया का क्या, दूसरे शहर से भी अगर कलर वाला बुलाएंगे ना तो यहाँ के कलर वाले लोग उसको कलर करने नहीं देंगे। बोलो तो पुलिस कंप्लेंट करते हैं ना। हाँ डॉक्टर हाथी, पुलिस कंप्लेंट करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप पुलिस में शिकायत करोगे तो बाकी सारे कलर वाले इसको सपोर्ट करने के लिए एक भी यहाँ नहीं आएगा। हाँ तारक ने सही कहा। भाई मैं तो कहता हूँ दुनिया में जितनी भी सोसाइटियाँ हैं उन सबको कलर कराना कैंसिल कर देना चाहिए, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। अब पप्पू तू भी यार कमाल करता है, अपनी सोसाइटी में इतने बांबू बांधे हुए हैं, उनका क्या करें है? अब लगता है बांबू बंधे ही रहेंगे और अपनी सोसाइटी म्यूजियम बन जाएगी। ठीक बोल रही है, लेके स्कूटर जैसे। हाँ और दूर दूर से लोग आएंगे ये बांबू धाम सोसाइटी देखने। हाँ बाबा, इससे तो अच्छा जो कलर था वही अच्छा था। आई नो वो क्या है। अरे ये कलर करने का आइडिया था किसका? ये मिस्टर जेठालाल गड़ा का। देखो प्रॉब्लम मेरा आइडिया का नहीं है, प्रॉब्लम गलत आदमी को कांटेक्ट देने का है। एक मिनट जेठालाल, कोई गलत आदमी को कांटेक्ट नहीं दिया है हमने, हमने सही आदमी को ही कांटेक्ट दिया है। एकदम करेक्ट है आत्माराम, और प्रॉब्लम तो जेठालाल तुमसे ही शुरू हुआ था ना। मुझसे? भाई बात तो सही है जेठालाल, ना ये तुम्हारे पास कलर होता ना ये सारा प्रॉब्लम होता। सही बात है। अच्छा देखा मेहता साहब, अच्छा ये लोग ने ये बिल्डिंग की गलती नहीं निकाली, वरना बोलता ना ये बिल्डिंग बनती ना ये प्रॉब्लम होता। और जेठा अपना गलती तो है तुम्हारी, वो अपने में कहावत है ना, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे यार। सोड़ी भाई क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आया। ये अर्थघटन ही गलत है आपका। भाभी सोड़ी एकदम करेक्ट बोल रहा है, जेठालाल कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले तुमको बताना चाहिए था कि तुम्हारे पास कलर है। क्या बता देना चाहिए था यार, भाई जब 2.5 लाख का कलर जेठालाल 1.5 लाख में दिलवा रहा था तब तो किसी ने मना नहीं किया। तो फिर तब क्या बोलते मेहता साहब, परिस्थिति ऐसी हो गई थी ना, जेठालाल को कलर के लिए ना बोल सकते थे ना सकरम को हाँ बोल सकते थे। जेठालाल जेठालाल, तुमने अपने स्वार्थ के लिए पूरी सोसाइटी में प्रॉब्लम खड़ा कर दिया।
हमने इतनी मुश्किल से 3 लाख का फंड जमा किया था सोसाइटी में, वो भी चला गया और यहाँ सब जगह पर बांबू बंधे हुए हैं, वो अलग, और उसका भाड़ा भी रोज देना पड़ेगा अलग से 5,000। अरे अभी भाई सोसाइटी को कोई कलर करने को तैयार नहीं है, उसका क्या करना है? ये जेठा भाई से पूछिए। अगर आप सबको ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से कोई कलर करने वाला नहीं आ रहा है और मेरी वजह से आप सबको परेशानी हो रही है, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। माफी माफी मांगने तक कुछ नहीं होगा जेठालाल। ये बंबू देख रहे हो, इसका रोज का 5,000 रुपए भाड़ा तुमको देना पड़ेगा। वो तो देगा ही, मना कहाँ कर रहा है। लेकिन हमारी सोसाइटी का ये जो कलर का प्रॉब्लम है, जो बांबू की तरह खड़ा है, उसका क्या करेंगे? हाँ जेठालाल, 100 बात की 1 बात। अब तुम चाहे सकाराम को मना के वापस लेके आओ या किसी दूसरे सकाराम को लेके आओ, हम सबको किसी भी हालत में ये सोसाइटी कलर की हुई चाहिए, मतलब चाहिए। सही हाँ। बात है। चल माधवी, चल सुनो, चलो भाई, चलो 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 कोमल। अरे भिड़े सुनो तो, बापू जी आपको भी मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा ना। सॉरी। नहीं जेठिया, इस बार तेरी गलती नहीं। बाबूजी क्या कर रहे हैं आप? कलर। लेकिन बाबूजी पूरी सोसाइटी को। बेटा जहाँ चाह है वहाँ राह है। अरे दूसरों के भरोसे पे रहने वाला इंसान हमेशा दुखी ही होता है, समझा? चाचा जी हाँ, मुझे दीजिए, मैं करता हूँ। अब्दुल मैं करता हूँ नहीं, मैं भी करता हूँ।
भटलाल, आज एक बात का एहसास तो हो गया दोस्त, अगर हम सोसाइटी वाले चाहे ना तो मिलके जंग भी लड़ सकते हैं। अरे ये तो सिर्फ रंग लगाना है। सच कहा मेहता साहब, अब तो ये ब्रश तभी नीचे आएगा जब हमारी पूरी सोसाइटी का कलर हो जाएगा। शाबाश, आइए। गोकुलधाम से आपको भी फोन आया था, तो आपने क्या बोला? मना कर दिया ना? अच्छा किया, याद रखूंगा। अब गोकुलधाम वालों की अक्ल ठिकाने आई। सभी कलर वालों को उन्होंने फोन किया पर सभी ने ना बोल दिया। अब गोकुलधाम वालों को पता चलेगा कि सखाराम क्या चीज है। अब गोकुलधाम वालों को नाक रगड़ कर, माफी मांगकर, एक्स्ट्रा पैसा देकर मेरे से काम करवाना पड़ेगा। कल सुबह जाता हूँ, गोकुलधाम वालों पर मेहरबानी कर ही देता हूँ कलर करने की। मेहनत रंग लाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है आज पता चला है। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी खुशियों के नए रंग में रंग गई। ऐसा लगता है कि सोसाइटी में आज नया सवेरा हुआ है। तो फिर नए सवेरे का स्वागत करने चले।
चमक तो हमारी भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा बबीता जी आपने, सबसे ज्यादा चमक रही है आप। की विंग पूरा बोलना तो दो भाई। अरे मैं तो कहती हूँ कि हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी नई नवेली दुल्हन की जैसे चमक रही है। हाँ एकदम बराबर साची बात छे। हाँ बराबर। ए टप्पू वहाँ पर हाथ मत लगा, दाग लग जाएगा। सॉरी मेरे अंकल। चलो फ्रेंड्स ये कलर के डिब्बे रख के आते हैं। चलो फ्रेंड्स। यस। इस पूरे एरिया में हमारी गोकुलधाम सोसाइटी एकदम नंबर वन हो गई है। सही बात है। ये बात तो सही है। अच्छा एक मिनट, किधर जाना है भाई? नहीं एक मिनट बात करनी है। हाँ एक मिनट, थोड़ा थोड़ा। आत्माराम, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस नई चमकी हुई गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये ऐलान करता हूँ कि अरे ये तो पहले से गिरा हुआ है। ये गोकुलधाम सोसाइटी है। गोकुलधाम हाउसिंग सोसाइटी, ये सोसाइटी यही है। गोकुलधाम ने कलर कोर किया। सभी कॉन्ट्रेक्टर ने गोकुलधाम में कलर करने से मना किया था ना। सखाराम अगर मुर्गा बांग नहीं देगा तो सुबह नहीं होगी क्या? आती भाई सही बात है। किस कॉन्ट्रेक्टर ने इधर कलर किया है? पहचानो पहचानो। ये रहे हमारे कॉन्ट्रैक्टर। चाचा आप? हाँ। पर आपके पास मजदूर कहाँ है? मजदूर है ना, ये क्या? जेठालाल। ये सब मजदूरी तो है हम सब लोग, और क्या? तो? क्या? अब सबने मजदूर यूनियन। तू जो काम अधूरा छोड़ के गया था ना, वो हम सब गोकुलधाम वासियों ने मिलकर उसे पूरा किया। सकाराम, दुनिया में किसी के बगैर कोई काम रुकता नहीं है। हौसला, हिम्मत और खुद पर भरोसा करने वाले कभी नाकाम नहीं होते। क्या बात। यस। नाकाम तेरे जैसे लोग होते हैं जिनकी नीयत में खोट होती है। सकाराम, जेब का वजन बढ़ाने में दिल पर वजन बढ़ जाए तो वो घाटे का सौदा है। सच्ची बात है। मेहनत और ईमानदारी से जेब का वजन बढ़ता रहे तो उससे दिल पे बेईमानी से पैसा कमाने का बोझ नहीं रहता, समझा? सुना सुना अब्दुल भाई। बराबर, एकदम बराबर। समझ गए चाचा जी, मेरे 35 साल के करियर में मैंने सबसे यही सीखा है कि हर बात में अपना कमीशन निकालो। आज पहली बार किसी ने मेरे दिल पे लगा हुआ बेईमानी का रंग हटाया। चाचा जी, आज से बेईमानी का काला रंग उतार कर मैं सिर्फ ईमानदारी के सफेद रंग में रंग जाऊं। शाबाश। वाह वाह बाबूजी, आपने तो धो डाला। क्या बात है सखारा भाई, वाह, तुम्हारे सर से तो बेईमानी का रंग उतर गया। ठीक वैसे ही अगर हम सारे हिंदुस्तानी ईमानदारी के रंग में रंग जाए तो हमारा तिरंगा और शान से सारी दुनिया के आसमान में फहराएगा। सही बात है। बड़े भाई, मैंने आपको जो कोटेशन दिया था ना, उसमें हर बात में मैंने अपना कमीशन रखा था भाई। वो तो मैं वापस दे दूंगा और साथ में बाबू भाई बांबू वाले का भी हिसाब मैं देख लूंगा। मन में राम बसते है ना तो ऐसा ही होता है। बेईमानी के कमीशन का वजन मैं मेरे दिल पे नहीं रखना चाहता हूँ। मेरा आया दुरुस्त आया। गुड।
क्या बात है, सखाराम ने कमीशन भी वापस देने की बात कर दी। भाई नया कलर लगते ही गोकुलधाम सोसाइटी का पूरा वातावरण शुद्ध हो गया। सही बात है। और इसका श्रेय सिर्फ एक ही आदमी को जाता है और वो है श्रीयुत जेठालाल चंपकलाल गड़ा। ओ जेठा प्रा गोकुलधाम के सम्राट। मुझे अरे नहीं बनेगा, गलती हो रही है तेरे भिड़े। मुझे क्यों? नहीं नहीं भाई, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, तुम्हारी वजह से ही गोकुलधाम में ये नया कलर हुआ है। इसलिए ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन आई से थैंक्स टू यू। थैंक यू सो मच। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा भिड़े मास्टर, हमें जेठा भाई के लिए सम्मान समारोह करना चाहिए। बरोबर, वो बिल्कुल करेक्ट किया आदि ब्रा। हाँ, ताकि पार्टी भी हो जाए डॉक्टर आदि। हाँ सही बात है। वाह वाह। अरे नहीं 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 भाई, नहीं मुझे कोई, अरे क्या तू भी, अरे ना भाई नहीं नहीं, मुझे कोई सम्मान बम्मान गुतनी चाहिए भाई। कैंसल। जेठालाल तुमने अभी जो बात कही वो कैंसल। भाई आज रात को तुम्हारा सम्मान समारोह होगा पूरी धूमधाम से। हेलो ऑल इन वन जनरल स्टोर स्पीकिंग। आत्माराम तुकाराम भिड़े बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ भिड़े साहब बोलिए बोलिए, अब्दुल भाई के लिए क्या हुक्म है? हाँ भाई आज रात को सम्मान करना है। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा सम्मान करने की क्या जरूरत है? तेरा नहीं अब्दुल, जेठालाल का सम्मान करना है। हाँ वो तो मालूम है, तुझे पता है वो मुझे पता है, उसके लिए एक हार लाना है। हा? कितने का लाओ? 500 का, 1000 का? 500 1000 का वेट लग ले, 100 वाला लेके आना। 100 तो वाला कम पड़ जाएगा क्या? ठीक है 150 वाला लेके आना। 150? ठीक है भाई 200 वाला लेके आना। देखो अब्दुल भावना जरूरी है, भाव नहीं। हाँ ये हुई ना सम्मान वाली बात। हाँ हार साहब को पहुंच जाएगा। शाबाश। क्योंकि आपने उनका साथ दिया। हमारे वहाँ कहते हैं ना कि हर सफल इंसान के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है, इसलिए समझे। अब पता चला मैं कामयाब क्यों नहीं हूँ। सॉरी क्या? पता नहीं मुझे कामयाब करने वाली मेरी पत्नी कब आएगी। मैं क्या कहता हूँ? ओ पत्रकार पोपटलाल जी यहाँ पे आइए, कार्यक्रम शुरू करना है भाई। हाँ हाँ थोड़ा लेट हो गया थोड़ा। चलो भाई आ जाओ। थोड़ा लेट हो गया। आओ बैठो। पोपटलाल कितने टाइम पास कर रहे हो? हाँ तो मैं भिड़े शुरू कर सकते। वही कर रहा हूँ पोपटलाल। हाँ तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, यहाँ पर उपस्थित सभी गोकुलधाम वासियों का इस नई चमचमाती गोकुलधाम सोसाइटी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, सखाराम ने हमसे जो 40,000 रुपए एक्स्ट्रा लिए थे कोटेशन में, वो उसने हमें वापस कर दिए है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बजट ज्यादा और सोसाइटी में फंड कम होने की वजह से हमने गोकुलधाम सोसाइटी में कलर करना कैंसिल कर दिया था, लेकिन हमारे सोसाइटी के माननीय सदस्य श्रीयुत जेठालाल चंपकलाल गड़ा जी की वजह से हम गोकुलधाम में कलर कर पाए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो A1 कलर मार्केट में 2.5 लाख रुपए का मिलता है वो सिर्फ इनकी वजह से हमें 1.5 लाख रुपए में मिला है। तालियां। हाँ लेकिन जेठालाल जी वो 1.5 लाख रुपए आपको देने के लिए अभी फिलहाल सोसाइटी के पास नहीं है। अरे भाई मैंने कहा मांगे लेकिन बड़प्पन। हाँ। नहीं नहीं जेठालाल जी मैं जानता हूँ कि आपका मन बहुत बड़ा है, अगर जिंदगी भर भी सोसाइटी आपको पैसा नहीं देगी तो भी आप नहीं मांगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन
सोसाइटी आपको पैसा देगी। सखराम से आए हुए 40,000 रुपए और सोसाइटी फंड में बचे हुए 50,000 रुपए, ऐसे कुल मिला के आपको 90,000 रुपए दिए जाएंगे। और बचे हुए 60,000 रुपए आपके मेंटेनेंस के सामने फ्लैट का सॉरी माफ करना, आपके फ्लैट के मेंटेनेंस के सामने एडजस्ट किए जाएंगे। ठीक है? ठीक है भाई, जैसा तुम ठीक समझो। ठीक। अब मैं हमारे कमेटी मेंबर की ओर से श्रीयुत जेठालाल चंपकलाल गड़ा जी से विनती करूंगा कि कृपया करके वो मंच पर आए ताकि हम उनका सम्मान कर सके फूलों का हार पहना कर। अरे एक मिनट भाई, देखो मैं क्या कहता हूँ भिड़े भाई, ये सम्मान मम्मान रहने दो, ये नहीं नहीं करो प्लीज। अरे जेठालाल, लेकिन सम्मान तो होना चाहिए भाई। देखो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरी जगह पे सोसाइटी का और कोई भी सदस्य होता तो वो भी वही करता जो मैंने किया है। ये सम्मान रहने दो प्लीज भाई, प्लीज भाई। जेठालाल तुम्हारी दलील कैंसल। भिड़े जेठालाल का सम्मान करो। हाँ बिल्कुल, और जेठालाल फूलों का खर्चा हुआ है ना, तो सम्मान तो करना पड़ेगा ही। ये देखो ये फूल का खर्चा किस लिए? अरे भाई, अरे नहीं भाई, जेठालाल भावनाओं को समझो। भाई अब्दुल हार लाओ भाई। अरे हार अंदर रखा था, अभी नहीं है। तो ढूंढो उसे भाई, क्या कर रहे तू है? करते हो अब्दुल भाई? अरे अरे भाई नहीं मिल रहा है हार, जाने दो ना भाई, रहने दे, सम्मान मम्मान नहीं चाहिए भाई। कहाँ रख देते हो भाई, टाइम पे चीज मिलती नहीं है तो। अब्दुल कहाँ रख दिया भाई हार? ये रहा हार। वहाँ रखा है। बबीता जी अब मानेंगे नहीं। एक मिनट। जेठालाल का सम्मान मेरे हिसाब से सोसाइटी के सबसे बुजुर्ग चंपक चाचा को करना चाहिए। अय्यर बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, एक पिता के हाथों अपने पुत्र का सम्मान हो, इससे बढ़िया क्षण नहीं हो सकता। सही बात है। हाँ, बबीता तुम बैठ। जेठालाल तुम स्टेज पर चलो। आइए चाचा जी। आइए आइए। एक मिनट, मैं क्या कहता हूँ, अगर बापूजी सबसे पहले ब्रश उठा के कलर करना चालू नहीं करते तो हम सबको कलर करने की प्रेरणा ही नहीं मिलती। बरोबर है। इसलिए मेरे हिसाब से सम्मान के असली हकदार बापूजी है। बरोबर है। दादाजी का सम्मान। अरे जेठा सुन, मेरी बात सुन। अरे भाई मैं तो कहता हूँ कि सम्मान पूरी सोसाइटी का होना चाहिए, क्योंकि हम सब ने मिलके इस सोसाइटी को कलर किया है, तो फिर सम्मान सबका होना चाहिए। लेकिन चाचा जी हार तो एक ही है। अरे भिड़े मास्टर, हार तो ज्यादा मंगाने चाहिए थे ना। अरे हाथी भाई, हमने सिर्फ जेठालाल का सम्मान करने का निश्चित किया था, अभी एक आदमी के सम्मान के लिए कितने हार मंगाएंगे हम? बराबर है। अरे चिंता मत कर भिंडी मास्टर, ये एक हार काफी है, हम इसी से सबका सम्मान करेंगे। ठीक है, तो फिर चाचा जी सम्मान की शुरुआत आपसे करते हैं। जेठालाल करो शुभ शुरुआत। ले भाई ले। जी अब हमारे एक मेल सेक्रेटरी साहब का सम्मान करो जी, और इन्होंने कलर कराने के लिए बहुत टेंशन लिया। भाई पत्रकार जी।
वैसे चाचा जी एक बात कहनी पड़ेगी, पूरी दुनिया में किसी ने ऐसा सम्मान न देखा होगा न सुना होगा, एक ही हार में सबकी जीत हो गई। करेक्ट है। वैसे एक बात तो है, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की हर बात निराली है। अब मेहता साहब वो अपने गोकुलधाम में कलर का सम्मान समारोह तो हो गया, अब सेलिब्रेशन होना चाहिए, होना चाहिए। अब पार्टी शार्टी तो होनी चाहिए। ये रोशन चुप करनी, कहीं पर बोले छे खेलो के चुनो। सच तो कह रहा है सोडी। अरे क्या मतलब पार्टी शार्टी? अरे सेलिब्रेशन तो होना चाहिए ना। अरे हाथी भाई सेलिब्रेशन मतलब फिर से खर्चा होगा। नको नको। मैं क्या कहती हूँ, सोसाइटी में नया कलर काम हुआ है तो हमें सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए। वाह वाह करेक्ट है, एकदम करेक्ट है दया भाभी। विचार तो उत्तम है। अरे वाह दया भाभी, ये तो बहुत अच्छा विचार है। वाह वाह दया वाह, थैंक यू। तो फिर ठीक है, कल दोपहर को सोसाइटी में सत्यनारायण भगवान की कथा होगी। बढ़िया जी बढ़िया, वो कथा का हो गया, अब सेलिब्रेशन कैंसल। नहीं वो भी होगा कल रात को। अच्छा जी आयशप्पा सोसाइटी के पास जरा भी फंड नहीं है। अरे बिल्ली मास्टर तू उसकी चिंता मत कर, सोसाइटी को खर्चा नहीं होगा, बस उत्सव की जवाबदारी मेरी। वाह 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 क्या बात है, वाह बहुत अच्छे। तो ये तेरा, कल दोपहर को सत्यनारायण भगवान की कथा होगी और रात को उत्सव होगा। ओ चाचा जी पर क्या उत्सव होगा जी दसो। अरे वो कल पता चल जाएगा, अभी तो सत्यनारायण भगवान की कथा की तैयारी करो।